रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नमस्कार, रूरल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और हाजिर हूं रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर। इस शो में हम खेती किसानी से जुड़ी एक नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं जिसका किसान उपयोग कर सकता है और उसके जरिए उसकी आमदनी बेहतर हो सकती है। इस शो में हम तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट से बात करते हैं जो तकनीक की बारीकियां आपको समझाते हैं। इसके साथ ही उस तकनीक का उपयोग कर रहे एक किसान से भी इस शो में हम बात करते हैं जो तकनीक के व्यावहारिक पक्ष को आपसे साझा करते हैं। आज के रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का हमारा विषय है स्मॉल कैपेसिटी डिस्टिलेशन यूनिट फॉर एरोमेटिक प्लांट्स एंड हर्ब। बेसिकली एक ऐसी छोटी डिस्टिलेशन यूनिट जो हर्ब्स और छोटे पौधों से तेल निकालने में काम आती है। आइए शुरू करते हैं आज का रूरल वॉइस एग्रीटेक शो। किसानों के सामने खेती के लिए नए नए विकल्प आ रहे हैं। इसमें एक बड़ा विकल्प है हर्ब्स, यानी ऐसी वनस्पति जिसके अंदर कॉस्मेटिक या मेडिकल औषधीय गुण है जिनके जरिए किसान बेहतर आमदनी हासिल कर सकता है, क्योंकि उससे तेल निकालकर उस तेल का उपयोग मेडिकल सेक्टर में और बाकी जगह भी होता है। तो इन छोटे पौधों से तेल निकालने के लिए किसानों के लिए एक ऐसी तकनीक का इजाद हुआ है जो कम निवेश में कम जगह में किसान उसका इस्तेमाल कर सकता है। उसको कहा गया है स्मॉल कैपेसिटी डिस्टिलेशन यूनिट फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, और इस इकाई का इस मशीन का इस्तेमाल कर किसान अपने स्तर पर अपने जो खेती में इस तरह के पौधों का उत्पादन कर रहा है उनका इस्तेमाल इस मशीन के जरिए उत्पादन के रूप में कर सकता है। यानी एक वैल्यू एडिशन का मौका किसान के पास आ गया है। वो सिर्फ फसल नहीं बेचेगा बल्कि उसका वैल्यू एडिशन कर एक ऐसा उत्पाद बेचेगा जो उसके आमदनी में गुणात्मक बदलाव लाता है। हम मिंट की बात करें, हम लेमन ग्रास की बात करें, या और ऐसे पौधे गुलाब जल है या परफ्यूम बनाने के लिए जो पौधे काम आते हैं, उन सब का तेल निकालने में ये मशीन काम आती है। आज की टेक्नोलॉजी स्मॉल कैपेसिटी डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में बात करने के लिए आज के हमारे एक्सपर्ट हैं सीमैप लखनऊ के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर संजय कुमार। आइए बात करते हैं डॉक्टर संजय कुमार से। डॉक्टर संजय कुमार, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। संजय कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो स्मॉल कैपेसिटी डिस्टिलेशन यूनिट, इसके बारे में हमें बताइए ये क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह से काम करती है। देखिए, इसमें ये सिंपल टेक्नोलॉजी है जिसको आप कह सकते हैं कि जो डिस्टिलेशन यूनिट है इसके तीन कंपोनेंट एक तरह से होते हैं। एक तो इसमें फर्नेस बोल लीजिए या बॉयलर बोल लीजिए, दो तरह की यूनिट्स मेनली प्रचलित है। एक बॉयलर बेस्ड है और दूसरी डायरेक्ट फायर्ड है। बॉयलर बेस्ड बड़े एरिया की होती है, पर आप छोटी यूनिट की बात करेंगे तो उसमें मुख्यतः वो यूनिट आएंगी जो डायरेक्ट फायर्ड है, किसान अपने खेतों पर कर रहा है। और उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन इसके हिस्से हैं। एक हिस्सा है आपका फर्नेस भट्टी जिसको बोलते हैं, दूसरा हिस्सा टैंक है सिलेंडर, और तीसरा हिस्सा है इसका कंडेंसर। ये तीनों मिलके एक अच्छी गुणवत्ता की डिस्टिलेशन यूनिट बनती है। और उसमें भट्टी के ऊपर टैंक लगा होता है और टैंक में हर भरते हैं, और वो हर जब स्टीम बन के जाती है तो कंडेंसर में लगातार पानी चलता रहता है। उसमें जाके वो ठंडा जब पानी मिलता है, टेम्परेचर कम होता है तो कंडेंस हो जाती है और वो द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में तेल और पानी इकट्ठा होकर निकलता है। तेल हल्का रहता है तो इसलिए ऊपर तैरता रहता है, वो एक सेपरेटर से सेपरेट कर लेते हैं। कौन से ऐसे पौधे प्लांट्स और हर्ब्स हैं जिनका तेल निकालने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है? जो भी किसान सुगंधित फसलों की खेती करता है, इसको एरोमेटिक प्लांट्स बोलते हैं, सघन फसलें बोलते हैं, उनकी खेती के लिए डिस्टिलेशन यूनिट का लगाना या आसपास में होना आवश्यक है, अन्यथा उन पौधों का उचित मूल्य किसान को नहीं मिल पाया। उनमें जिन पौधे का तेल निकाल सकते हैं जो मुख्य रूप से प्रचलित है हिंदुस्तान में, उसमें मेंथा है, नींबू हास है, तुलसी है, तुलसी का तेल निकलता है, गुलाब की पेटल्स है उसका तेल निकलता है, वेटिवर, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों में तेल मिलता है, उसमें मुख्य रूप से खस है। तो अलग अलग यूनिट के हिसाब से, अलग अलग टाइम के हिसाब से डिस्टिलेशन हो जाता है। ये जो किसान है
उसको इसमें कितना निवेश करने की जरूरत है, कितनी बड़ी जगह की जरूरत है। अगर किसान सीधा फसल बेचता है और अगर वो मूल्यवर्धन करता है इस डिस्टिलेशन यूनिट के माध्यम से, इन दोनों के बीच में आमदनी में कितना बड़ा अंतर आ जाता है? किसान जो यूनिट लगाते हैं तो उसमें लगभग लगभग जो छोटी आसवन इकाइयां होती है, हाफ टन कैपेसिटी के, जो 15 से 20 एकड़ तक की खेती किसान आराम से कर सकता है, वो ढाई अच्छी गुणवत्ता इकाई लगभग 2.5 लाख के आसपास आती है। बाजार में 1 टन कैपेसिटी की जो आसवन इकाई है वो लगभग 4-4.5 लाख तक हो जाती है, लगभग 10 स्क्वायर मीटर का एरिया बहुत सफिशियंट रहता है। जैसे कि आपका जो सेंटर है, सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, इसमें आप किसानों को प्रशिक्षित भी करते हैं, उनको प्लांट मटेरियल के बारे में भी जानकारी देते हैं, किसान को कितना बड़ा फायदा होता है और किस पैमाने पर किसान इस तकनीक को जो आप लोग जिसमें काम कर रहे हैं उसको उन्होंने अडॉप्ट किया है? वैल्यू एडिशन का ये कि बड़ा अंतर मिल जाता है। अगर वो तेल नहीं निकालेगा, ऐसे हर बिक्री करेगा तो एक तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि तो खरीदार भी क्या करेगा, वो भी तेल निकालेगा, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत रहती है और वो 50% तक का नुकसान उसका हो जाता है। आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के समय में किसान को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप से करे, हॉर्टिकल्चर में मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स आते हैं, इनसे करे, एक चीज पे डिपेंडेंट ना रहे। तो उसके लिए सबसे अच्छी तकनीक ये है कि किसान को देखना है कि उसके पास क्या संसाधन उपलब्ध है, उसके हिसाब से फसलों का चुनाव करे। जैसे बहुत सारे किसान है जो उनकी खरीफ और रबी के सीजन की फसलें हैं जिनके पास पानी उपलब्ध हो, जायद सीजन में मेंथा की खेती करते हैं, तुलसी खेती करते हैं, हम ये कहते हैं जो खाली समय है उसमें आप 3 महीने में पैदा करिए और जो आपका दूसरी फसल दे रही उससे अधिक ही आप लाभ कमाइए। संजय कुमार जी, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आए और एक तकनीक जो किसानों के लिए फायदेमंद है जिसे हम लोग स्मॉल यूनिट फॉर डिस्टिलेशन बोलते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि अभी आपने आज के हमारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट को सुना, और अब हम बात करते हैं एक ऐसे किसान से जो खुद स्मॉल कैपेसिटी डिस्टिलेशन यूनिट लगाकर पौधों का तेल निकालते हैं। आज के हमारे किसान हैं समीर चड्ढा, जो लखनऊ के पास चड्ढा अरोमा फार्म्स के नाम से डिस्टिलेशन यूनिट चलाते हैं और सुगंधित पौधों की खेती करते हैं। आइए बात करते हैं समीर चड्ढा से। समीर चड्ढा जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो स्मॉल डिस्टिलेशन यूनिट है अरोमा और मेडिसिनल प्लांट का ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसके बारे में आपको विचार कैसे आया? हमेशा से रुचि थी जड़ी बूटियों और एरोमेटिक प्लांट की खेती के ऊपर, तो बेसिकली हमने ट्रेनिंग करी लखनऊ सीमैप से। अच्छा। और जब वहां से ट्रेनिंग करी और देखा कि बहुत डिमांड है एसेंशियल ऑयल्स की एक्सपोर्ट मार्केट में और क्या क्या फायदे हैं इस फार्मिंग के, तो इसके बाद हमें ख्याल आया कि सर हमें इसका काम करना चाहिए। तो अभी जो आपने यूनिट लगाई है, एक तो मुझे ये बताइए कि कितना बड़ा यूनिट है आपने, उसका टेक्नोलॉजी जो ये नई टेक्नोलॉजी है, कैसे आपको उसको सेटअप करने में कितनी लागत आई और कितना आपका कैपेसिटी है उसमें ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का? सर हमारे पास जो डिस्टिलेशन यूनिट है उसकी कैपेसिटी है 1 टन की, और इसकी लागत लगभग मान के चलिए हम लोग को आई थी करीब 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के आसपास। इसमें हम हर प्रकार के तेल निकालते हैं, जो भी एसेंशियल ऑयल्स हैं जितने भी, तो बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं जिसकी हम खेती करते हैं, क्रॉप्स हैं जैसे कि लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, मेंथॉल मिंट, वेटिवर, खस और तुलसी, हल्दी। अच्छा। मैरी गोल्ड। तो इसमें कितना आपको आर्थिक फायदा हुआ, कितना बेनिफिट होता है? जब भी हम किसी चीज के अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे जी, तो उसमें फायदा जरूर होगा। वैल्यू एडिशन मतलब कि अभी हम जैसे लेमन ग्रास की अगर पत्ती हम उसको बेचे तो मार्केट में 30 रुपए एवरेज प्राइस हमें मार्केट में मिलता है ड्राई लेमन ग्रास की पत्ती का, और वहीं अगर हम उसका ऑयल निकाल के बेचे एसेंशियल ऑयल, तो वही पत्ती हमारी उसी का ऑयल जो है वो हमें मिलता है 1200 से 1500 रुपए के बीच में पर केजी के हिसाब से। खस है तो खस के अंदर भी आप तेल निकाल सकते हैं, उनकी जड़ों से तेल निकलता है, तो इसकी फार्मिंग करके आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं और एक्सपोर्ट वैल्यू इसमें खासकर बहुत ज्यादा है, तभी एसेंशियल ऑयल्स की प्राइसेस भी बहुत अच्छे हैं।
ये एक्सट्रैक्शन यूनिट, ये कहाँ पे है आपका? बाकी किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो हमारा यूनिट है, ये हमारा यूनिट लखनऊ में है, और लखनऊ में हम फार्मिंग करते हैं, और बाकी फार्मर्स को हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। फार्मर्स को मैं राय देना चाहूँ कि आप कुछ लीड से हटके करिए एरोमेटिक फार्मिंग। अब ये कल की फार्मिंग है। अगर मैं लेमन ग्रास की ही बात करूँ, तो अगर हम पहले साल ही 5 एकड़ या 10 एकड़ में खेती करते हैं, 5 एकड़ में भी करते हैं, तो हमारी यूनिट की कॉस्ट भी निकल जाती है। जैसे इसका एक 500 किलो वाला यूनिट है, उसकी कॉस्ट लमसम 2,80,000 3 लाख रुपए के आसपास आता है। एक तो आपकी खेती की खुद की आपकी इनकम हो रही है, और दूसरे वो भी इनकम है जो आपको अगले फार्मर अगर आपकी टंकी पे तेल निकालेगा तो वो आपको भी किराए की किराया आप उससे चार्ज कर सकते हैं। समीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो प्लांट्स जो है हर्ब्स और प्लांट की, उनकी जो स्मॉल डिस्टिलेशन यूनिट है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है रूरल वॉइस एग्रीटेक्सो का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने स्मॉल कैपेसिटी डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में जानकारी दी। आज के शो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई तकनीक के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शो के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल्स, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और LinkedIn के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार।